अनेकता में एकता के साथ हमारा देश अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की रहस्यमयी लोनार झील, इस झील के रहस्यों के बारे में जानने के लिए नासा से लेकर दुनिया भर की तमाम एजेंसियां सालों से जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक इस झील के रहस्य वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा और शोध का विषय ही बना हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में इस रहस्यमयी लोनार झील पर हुए रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ये झील लगभग 5,70,000 साल पुरानी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये झील रामायण और महाभारत काल में भी मौजूद थी। बता दें कि 2010 से पहले ये माना जाता था कि यह झील 52,000 साल पुरानी है, लेकिन हालिया शोध में यह पता चला है कि यह करीब 5,70,000 साल पुरानी है। इस झील को लेकर कई पौराणिक ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। ये झील कितनी पुरानी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र स्कंद पुराण, पद्म पुराण और आईने अकबरी में भी है। वैसे इस झील को पहचान 1823 में मिली, जब ब्रिटिश अधिकारी जे ई अलेक्जेंडर लोनार झील देखने पहुंचे। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे देखा तो वे दंग रह गए, जिसके बाद से वैज्ञानिक भी इस झील में रुचि लेने लगे और ये एक शोध का विषय बन गया। ऐसा भी माना जाता है कि लोनार झील के पास कई प्राचीन मंदिरों के भी अवशेष मौजूद हैं। इनमें दत्त्यासुदन मंदिर, प्राचीन लोनारधर मंदिर, कमलजा मंदिर, मोठा मारुति मंदिर भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका निर्माण करीब 1000 साल पहले यादव वंश के राजाओं ने कराया था। दूसरी ओर नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले इस झील को बेसाल्टिक चट्टानों से बनी झील बताया था। नासा का मानना है कि बेसाल्टिक चट्टानों से बनी यह झील बिल्कुल वैसी ही है जैसे मंगल की सतह पर पाई जाती है, क्योंकि इसके पानी के रासायनिक गुण भी वहाँ के झीलों के रासायनिक गुणों से मेल खाते हैं। अगर हम झील के आकार की बात करें तो इसका ऊपरी व्यास करीब 7 किलोमीटर है, जबकि यह झील करीब 150 मीटर गहरी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी से जो उल्का पिंड टकराया होगा वह करीब 10 लाख टन का रहा होगा, जिसकी वजह से यह झील बनी थी। लोनार क्रेटर झील की खूबसूरती ने हमेशा ही पर्यटकों के साथ साथ भूवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये झील चारों ओर से हरियाली से घिरी हुई है और कई दशकों से ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुनिया भर से टूरिस्ट और रिसर्चर्स हर साल इस झील को देखने आते हैं। अब ये झील एक बार फिर से चर्चा में है।